30 मार्च को रामनवमी के दिन देश के दो बड़े राज्य हिंसा की आग में झुलसते रहे। पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद इन दोनों ही राज्यों में हिंसा भड़क गई और अलग अलग हिस्सों में बम फेंके गए और कई राउंड फायरिंग भी हुई। कई लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ये दावा कर रहे हैं कि मस्जिदों की छतों से भी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई। अब आप इसे योगी का जलवा ही कह सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को भड़काने और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए 57 मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन OIC इस पूरे मामले में कूद पड़ा। अब आपको OIC की मक्कारी के बारे में बताते हैं। OIC ने कहा है कि रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर वो चिंतित है। OIC बोला कि मुस्लिम समुदाय को भारत के कई राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान निशाना बनाया गया। बिहार शरीफ में तो मदरसों को जला दिया गया। अब OIC से कोई पूछे, जब मदरसों और मस्जिदों से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई तो उसने उस पर क्या कहा? OIC ने तो बिना मांगे ज्ञान दे दिया, लेकिन भारत ने भी बिना देरी करे OIC के परखच्चे उड़ा दिए। भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि हम OIC के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। OIC का बयान उनके कम्युनल माइंडसेट और भारत विरोधी एजेंडा को दिखाता है। भारत ने एक ही सेकंड में OIC को उसकी हैसियत और जगह दिखा दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि OIC भारत विरोधी ताकतों के चक्कर में फंसकर अपना ही नाम खराब कर रहा है। भारत पहले भी कई बार OIC को समझा चुका है कि वो अपना ज्ञान अपने पास ही रखे, लेकिन OIC है कि मानता ही नहीं। कर्नाटक में जब हिजाब विवाद हुआ था तब भी OIC ने अपनी टांग अड़ाई थी। उस समय भी भारत ने OIC को जमकर धोया था। हैरानी की बात देखिए कि चीन में जो हिजाब मुसलमानों और मस्जिदों के साथ हो रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन चीन का नाम आते ही OIC छुट्टी पर चला जाता है।